अब यार वर्क फ्रॉम होम करते करते बहुत टाइम हो गया था और अब बारी थी घर से बाहर निकलने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की। मैं गूगल में काम करता हूँ और मेरी लोकेशन है बैंगलोर। तो घर से निकलते निकलते एक आखिरी बार मम्मी के हाथ की बिरयानी, मम्मी ने पैक भी कर दिया। कौन खिलाएगा उसको? बाय बाय। वैसे कोई रोएगा नहीं क्या? हाँ हाँ चलो ठीक है। अब ऐसा पहली बार नहीं था कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अब से पहले जब भी मैं बाहर गया हूँ तो 2-3 दिन में वापस आ गया हूँ। लेकिन इस बार तो भाई फराज भी हमेशा की तरह लेट है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बढ़िया करी हुई है ना भैया, बिरयानी ले आए हैं अभी खाते हैं। सो अराइव एट द एयरपोर्ट और अभी अजय और मैं बिरयानी खाने वाले हैं। सो अच्छा मैं अजय को साथ लेके आ गया क्योंकि नई जगह है, नया शहर है, तो साथ में कोई तो होना चाहिए। अपने भाई को लेके आ गया हूँ मैं। I've been feeling so small, watched the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. यार हम पहुंच चुके हैं अभी बैंगलोर, ठीक है। अभी यहाँ से हमारा जो स्टे है वो कम से कम 40 किलोमीटर दूर है और गूगल ऑफिस के पास है। तो फराज भी कर रहे हैं ऊबर। बाकी यार इतना प्यारा वो हो रखा है ना इस टाइम पे, स्काई बिल्कुल ब्लू हो रखा है और लाइट्स इतनी प्यारी लग रही हैं, तुम देखो जरा। आ रही है बैंगलोर आके बारिश की वजह से। अभी अभी क्या हुआ ना, मैंने फराज से पूछा कि बाहर की सड़क देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैंगलोर आ चुके हैं? मैंने कहा नहीं लग रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा था मेरठ पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही बारिश हुई अब लग रहा है कि हम पहुंच चुके हैं। कैब कर रहे थे हम लोग, कैब वाला ले रहा था 1200 रुपये। फिर फराज भैया को यार क्या कहते हैं, अगर रिम्बर्समेंट चाहिए था तो हमें ओला ओवर करनी पड़ती। अब वहाँ पे भाई नेट ही नहीं चल रहा, तो कुछ डाउनलोड ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो हमने सोचा कि यार थोड़े पैसे बचाते हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए थे। बहुत यार बैंगलोर में दो चीज़ बहुत फेमस है, पहली बारिश और दूसरा ट्रैफिक जैम। तो हमारे बैंगलोर आते ही यहाँ पर ज़ोरदार बारिश हुई और उसके बाद लगा ट्रैफिक जैम। यार बैंगलोर में 2 चीज़ नहीं 3 चीज़ बहुत फेमस है। चौथा रिजेक्शन हो चुका है, 5वां ड्राइवर है, देखते हैं। अभी तो आ रहा है लेकिन वही ड्रामे है ना, खड़े रहते हैं उसके बाद कैंसिल करते हैं कुछ देर बाद। और यार इतने रिजेक्शन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिले थे जितने यहाँ मिल चुके हैं एक दिन में। बड़ी जुगाड़ों से आए हैं यार। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Cryo.do। Cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं। यहां पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है। और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकेंड जो लोग अपना non-IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। सेकेंड यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइनली द कीज़ आर हियर आफ्टर 2 घंटे, राइट। 2 घंटे लगे हैं बिकॉज मेरी गलती की वजह से मैंने बुकिंग नहीं करी थी पहले, यहाँ पर आके करिए थोड़ा हॉच पॉच हो गया। बट लेट्स गो टू द रूम, करते हैं मौज। फिर 7th फ्लोर पे है, अगले 14 दिन के लिए अपना स्टे यहीं है। और चलो 14 दिन के लिए मौज है, लेकिन उसके बाद घर ढूंढना है। हाँ तो उसके बाद नहीं, उसके साथ ड्यूरिंग दीज डेज। अगर कैसा घर मिलेगा तो आउट ऑफ कंफर्ट हो जाएंगे हम तो। मैं तो नहीं थका हुआ वैसे यार, सही बताऊं तो यार। फराज ये को आदत है दिन रात काम करने की, और एनर्जी मैं खाता भी ज़्यादा हूँ ना यार। एक तो उन्होंने पता नहीं कैसी एसेंस कर रखी है, इतनी प्यारी लग रही है ना, एकदम मस्त। ओह ये कैसे लाइट जली, सही है, काफी अच्छा है यार। एडिटिंग वगैरह करने के लिए बहुत सही स्पेस है यार। ये तो बड़ा बढ़िया मामला कर दिया उन्होंने यहाँ पर, शूट वूट बहुत सही है। टीवी किसने चलाई है? तो भाई अभी पता नहीं चल पा रहा टीवी कहाँ से बंद होगा, एक बार रिमोट से बंद होगा मेरे ख्याल से। और अभी तुम देखोगे स्विमिंग पूल है ये। हाँ, ये पानी भर गया है। अरे ये पानी भरा है, स्विमिंग पूल है ये। ये तो पानी भरा हुआ है। तो भाई साहब ये पानी भरा हुआ है और स्विमिंग पूल सा लग रहा है पानी। मैं कह रहा हूँ कि स्विमिंग पूल यहाँ से दिख रहा है। बहुत बढ़िया यार, दैट इज गुड यार। सुबह कितना प्यारा व्यू आएगा यहाँ से। यहाँ का भी एक अलग ही पॉश इलाका है, मतलब इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना सामने से, है भैया बहुत अच्छा व्यू है। और हमारा जो फ्लोर है, हमारा जो इस साइड का व्यू मिल गया ना हमें, बिल्कुल सही चीज़ मिल गई। बाकी लोगों को उस साइड का मिलता है, हाँ रोड की साइड का। तो हमें रोड की गूगल की साइड का नहीं मिला, हमें इस साइड का व्यू मिला। और देखो